ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करेंगे। सो गुड गुड इवनिंग आरुषि, अर्चना, आशिया, अंकिता, रमिता, नैन्सी, श्वेता, रिया, ईशा एंड प्रीत एंड प्रिया। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं हम लोगों ने क्या किया था। हाँ बेटा, अच्छा अभी ज्वाइन करा, डाउट है किसी को? नो मैम। चलो तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कल इंटरेक्शंस पढ़ा था। इंटरेक्शंस में हम लोगों ने सबसे पहले, बेटा रेज योर हैंड करना है, पॉजिटिव साइन का, नेगेटिव साइन का, जीरो साइन का क्या मतलब है? विशाल। मैम जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, उसे प्रीडेशन बोलते हैं, क्योंकि नहीं वो नहीं पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है ये पूछा मैंने, रिलेशन नहीं पूछा। क्वेश्चन ध्यान से सुन, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है? इंटरेक्शन का मतलब है एटलीस्ट दो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना। तो उस इंटरेक्शन से एक ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म ए है मेरा और ये ऑर्गेनिज्म मी है, अगर मैंने ए के नीचे पॉजिटिव लिखा, इसका मतलब क्या है? मैम इसको फायदा हो रहा है। हाँ, पॉजिटिव का मतलब है प्रॉफिट हुआ है ए को बाय इंटरेक्टिंग विद बी, बी से बात करके ए को फायदा हुआ है। नेगेटिव अगर मैं लिख देती इसके नीचे तो क्या मतलब होता? मैम इसको लॉस हो रहा है। हाँ, और जीरो लिखती तो क्या न्यूट्रल नाम है तुम्हारा? तो मैम तुम्हन्ना। अभी समझ आया कि क्वेश्चन ध्यान से सुनना होता है ना। यो यो मैम। पता था ना तुझे आंसर, लेकिन ना सुनने की यो वजह से गलत हो जाता ना, तो ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इंटरेक्शन में जो सबसे पहले इंटरेक्शन करी थी, आती से गलो गुंजन, सबसे पहले इंटरेक्शन कौन सी पढ़ी थी बेटा हमने? मैम प्रीडेशन प्रीडेशन। प्रीडेशन वर्ड का मतलब क्या है? बोलो क्या समझती है, अपनी भाषा में बताइए, कॉलेज अपने में बता मुझे। मैम प्रीडेशन का मीनिंग है हु हंट्स। ध्यान से पढ़ उस वर्ड को जहां से देख बोल रहा है, प्रीडेशन लिखा है या प्रीडेटर लिखा है? मैम इसमें टू आता है, प्रीडेटर एंड प्रे। तो प्रीडेशन का मतलब क्या है? मैं बोलती हूँ रीडिंग, तो रीडिंग का मतलब है आई एम रीडिंग अ बुक, जो उसमें वर्ड्स लिखे हैं मैं उसको पढ़ रही हूँ। तो प्रीडेशन का मतलब क्या है? भूमि, प्रीडेशन का मतलब क्या है? मैम जिसमें प्रीडेटर प्रे को खाता है। हाँ, प्रीडेटर प्रे को मार देता है, खा देता है। देखो प्रीडेशन में क्या होता है, प्रे विल बी किल्ड, ऐसे होता है ना हमेशा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिडेशन के साथ लिख लो कि प्रे हमेशा मरेगा, है ना। ऐसे नहीं है कि वो उसके ऊपर रहता है और हिरण को जिंदा रखता है, शेर खा जाएगा हिरण को, हम प्लांट को खा जाएंगे, ऐसा नहीं, हम उसको जिंदा रख रहे हैं, है ना। मैं खा लिया उसको, जितना पार्ट निकाला उसको खा लिया। तो प्रिडेशन मीन्स किलिंग ऑफ द प्रे, राइट। अब प्रिडेशन के अंदर आपने क्या पढ़ा था, आपने एग्जाम्पल्स पढ़े थे। सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ा था हमें, बताएगी प्रीति, पहला एग्जाम्पल। प्रिया कैरेक्टर प्रीति आवाज नहीं आ रही। नीलम, पहला एग्जाम्पल। दीक्षा, पहला एग्जाम्पल। प्रिकली प्रिकल पियर कैक्टस पियर कैक्टस, कहाँ पे पढ़ाई है तुमने, कौन सी जगह पे? प्रिडेट प्रिडेशन ये क्या है, प्रिडेटर का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, प्रे का? प्रिकली पेयर कैक्टस का केस बताओगी मुझे रुशिल, हुआ क्या था? मैम। एक बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में एक स्पीशीज इंट्रोड्यूस की थी प्रिकली पेयर्स की, बट वो बड़ी ज्यादा फैलने लग पड़ी थी। उस वजह से उस बेसिकली एक मॉथ इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि उसको खाता था। तो मेरे को बता वो फैली क्यों थी, इतना क्यों फैल रही थी, क्यों कंट्रोल नहीं हो पाया था शायद उनसे। नहीं कंट्रोल हो पाया था, रीजन? इट वॉज एन एग्जॉटिक स्पीशीज, किसी और जगह से लाई थी। तो जहां ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उसको डाला, ठीक है, क्या मैरीलैंड, कौन सी जगह थी, मैं नाम भूल गई उसका। तो जिस ऑस्ट्रेलिया के रीजन में उन्होंने जाके वो कैक्टस लगाया, वहां पर उसका नेचुरल प्रिडेटर नहीं था, सो इन द एब्सेंस ऑफ प्रिडेटर वो फैली थी, समझ आई? यस मैम। यो मैम तो वहां लिखो एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रिडेटर, क्लियर है रुशिल? यस मैम। इट स्प्रेड और फिर उसके बाद उसको कैक्टस ईटिंग मॉथ को लाके इसे कंट्रोल किया गया था। तो ये रोल बताता है प्रिडेशन का। सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रिया कितवालिया? मैम स्टारफिश। स्टारफिश क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में, ये नेचुरल था कि एक्सपेरिमेंटली हमने स्टडी किया था? मैम नेचुरल बेटा एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया था।
एक्सपेरिमेंटली एक सिलेक्ट रीजन को सिलेक्ट किया था और वहां पे स्टार फिश को देखा गया था, स्टार फिश इकैनोडर्म से जो बिलोंग करती है, तो एक्सपेरिमेंटली 1 साल के लिए ऑब्जर्व किया था। और क्या किया था कि जो मेन वहां का प्रीडेटर था वो स्टार फिश थी, उसको बाहर निकाल लिया था। तो 1 साल के अंदर आपको क्या देखने को मिला था वहां पे प्रिया? प्री स्पीशीज इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला तुझे, एग्जाम्पल बता। मैम 10 स्पीशीज मिली थी वहां पे उसकी। 10 स्पीशीज मिली थी, बिल्कुल गलत। नेहा मैम वहां पे 4 to 5 स्पीशीज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। एक्सटिंक्ट हो गई थी क्योंकि प्रीडेटर चला गया था। 4 into 5 थी, लिखा गया एनसीईआरटी में। मैम 10 थी। 10 थी है ना। तो तुम लोग रिवाइज नहीं करके आए, रिवाइज तो नहीं करके आए क्योंकि तुम मुझे एग्जांपल नहीं बता पा रहे। बेटा क्वेश्चन एग्जांपल से आएगा और वो तुमसे वही मॉडिफाई करके पूछेंगे, तो इसे ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी रीडिंग अगर मैंने कराई है और तुमने खुद पेंसिल रख के नहीं करी, देर इज नो पॉइंट। समझ आई? यो मैम देख रहे हो है ना, इट्स गुड यू आर ट्राइंग है ना, लेकिन अगर वो अधूरा है तो समझ आ रहा है ना कि कहाँ इम्प्रूव करना है ना। अंकिता थर्ड एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल था इसका? हमने बताया था कि जो प्रे है वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो क्या क्या अडेप्टेशन करते हैं अंकिता, एक बता दे। गुंजन तुम्हें याद है? रिया, रिया बताना, रिया शर्मा। मैम वुड को केमिकली या फिर मॉर्फोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं। हाँ, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन कर लेते हैं या केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो केमिकल प्रोड्यूस में मुझे एक एग्जाम्पल बता दे कोई, जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता था किसी प्लांट में। अंकिता, दीक्षा, दीक्षा तुम बताओ कार्डियक ग्लाइकोसिड्स किस प्लांट में बनता है, क्या पूछा? कौन से प्लांट में बनता है, कौन से प्लांट में? कौन से प्लांट में? कैलोट्रॉपिक्स। कैलोट्रोपस। तो अगर इसको कोई खा लेगा ग्रेजिंग एनिमल, तो उसके साथ क्या होगा? मैम उसका जो सोडियम और पोटेशियम पंप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, हार्ट की फंक्शनिंग खराब हो जाएगी, राइट। तो ये था प्रिडेशन में। इजी लगता है ना पढ़ते टाइम क्योंकि मैं पढ़ा रही थी, लेकिन अभी समझ आया ना, बिना रिवीजन में कुछ नहीं होगा, क्लियर है? तो ये रिवाइज करके आएंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम कॉम्पिटिशन में पहुंचे थे दोनों को नुकसान होता है, राइट। कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा हमने यहाँ पे? कॉम्पिटिटिव रिलीज, हाँ कॉम्पिटिटिव रिलीज को बोलते हैं। ठीक है, हाँ देखो कंपटीशन में ना हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है, इधर इधर लिख देती हूँ, फिर ही जीत जाएगा। ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? अंकिता हाथ नीचे कर ले बेटा, डाउट नहीं है तो। सो कंपटीशन में आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आपका फिजिक्स वाला नहीं है, ये यहाँ पे अलग है। एक तो गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है, एक होता है आपका ये गॉस ने दिया था इसलिए उनका नाम है, दूसरा आपको पढ़ना है को एग्जिस्टेंस बाय मेयर, मेयर ने दिया था ये, ठीक है। और तीसरा आपको पढ़ना है कॉम्पिटेटिव रिलीज, ठीक है जी, क्लियर है? क्या पढ़ना है? कॉजेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, जो हम जनरली मानते हैं, ये कहता है कि मान लो जो रिसोर्सेज हैं, अगले पेज पर समझाते हो तुम मुझे बताना क्या समझ आया तुमको, ठीक है। तो पहले हम एक्सक्लूजन की बात करें, एक्सक्लूजन का मतलब निकाल दो बेटा, किसी को भी निकाल दो, दैट इज एक्सक्लूजन। किसी को भी ले हो, दैट इज इंक्लूजन। तो एक्सक्लूजन का मतलब निकाल दो।
तो गॉस क्या कहते थे कि मान लो दो स्पीशीज है, लेट से दो की दो स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल गोट, और एक स्पीशीज है फॉर एग्जांपल टॉर्टस. हमने पढ़ा था ना कल, खाती क्या है, ग्रास, है ना. तो रिसोर्स तो कॉमन है दोनों का, है ना, कॉमन है. अब जो डोमिनेटिंग होगी वो सारी ग्रास खा जाएगी, और जो कम डोमिनेटिंग होगी वो भूखी मरेगी. तो इसमें से कौन है जो जल्दी जल्दी सारी ग्रास खा जाएगी? गोट. विल ईट ऑल, मोस्टली यही डोमिनेटिंग होगी. तो किसको कम बनेगा फूड? लेस फूड. तो स्लोली इट विल वैनिश, उस एरिया से आपको टोर्टोइस दिखने बंद हो जाएंगे. एंड दूसरे वाला क्या करेगा? सर्वाइव या फ्लरिश, हम कहेंगे अच्छे से फ्लरिश कर गया, राइट. तो उन्होंने कहा कि अगर दो स्पीशीज एक ही रिसोर्स पे लगी है, ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज एक ही रिसोर्स पे लगी है, तो जो डोमिनेटिंग स्पीशीज है वो रह जाएगी और दूसरी वाली उस जगह से चली जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी. उसे हम कहते हैं गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. समझ आया? यो यो मैम. होता है, होता है मैम. क्या बोला आपने? क्या ऐसा नेचर में होता है? यो यो मैम. प्रिंसिपल ये सही है, लेकिन और भी प्रिंसिपल है. अब इसको पढ़ लेते हैं, गॉसेस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये सीधे लाइन आएगी, नीट के प्रस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. इसको ऐसे डब्बा बना लो, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है. देखो, अब देखो सारे स्क्रीन पे. स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, थोड़ी रिलेटेड होनी चाहिए वो एक दूसरे से, क्लोजली रिलेटेड क्योंकि उनका फूड सेम है ना. तो बोथ आर हर्बीवोर्स, सो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स. तो इसने दो लाइनें बोली एनसीईआरटी ने. देखो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, स्पीशीज कैसी होनी चाहिए? क्लोजली रिलेटेड, राइट. और रिसोर्स कैसे होने चाहिए? सेम रिसोर्सेज. याद रहेंगे दोनों वर्ड? ठीक है. सो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो सेम रिसोर्स पे है कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली. वो कह रहा है वो एक साथ नहीं रह सकती. को एग्जिस्ट मतलब एक साथ एक जगह रहना, राइट. तो एक साथ एक जगह नहीं रह सकती है बहुत देर तक. इनडेफिनेटली मतलब ऑलवेज, ऑलवेज नहीं रह सकती. एंड कम्पीटिटली इंफीरियर, इंफीरियर मतलब वीक वाली, जो वीक वाली है वो एलिमिनेट हो जाएगी इवेंचुअली टाइम के साथ. समझ आई बात? दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ये कब तक कंडीशन है? ये तब तक होगा जब तक ग्रास लिमिटेड है. अगर ग्रास अनलिमिटेड होती तो टोटल्स बच जाते ना. कंडीशन फॉर गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? इट मे बी ट्रू, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है. तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये फुलफिल होगी तभी होगा ये लॉ एप्लीकेबल, दैट रिसोर्सेज शुड बी लिमिटिंग. क्लियर? तो 4 मार्क के 2 क्वेश्चन यहाँ से निकले, राइट. नाउ आगे चलते हैं. More recent study do not support such gross generalization about competition. Gross generalization है, इन्होंने कह दिया जहाँ competition है वहाँ ऐसे ही होगा. ऐसा थोड़ी है. अगर सब नीट के लिए compete कर रहे हैं, seats limited है, तो ऐसा थोड़ी है जिसको सीट नहीं मिली है वो दुनिया से extinct हो गया, उसने कुछ और ढूंढ लिया, राइट. तो ये हमने देखा नेचर में कि हर जगह पे ही एप्लीकेबल नहीं है. वेल दे डू नॉट रूल आउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर. हाँ, ये इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है नेचर में. They point out that species-facing competition might involve mechanism that promote coexistence rather than exclusion. बेटा माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है. इसका अननोइंगली माइक ऑन है. सपना और कोई है? ठीक है. देख भाई, अब आते हैं दूसरे पे. ये वाला सी क्लियर है सबको? फिर मेयर सर ने क्या बोला? मेयर सर ने बोला, देखो ऐसा नहीं है कि दो लोग हमेशा कलेशी करते हैं, कुछ लोग समझदार भी होते हैं. जैसे मान लो एक पेड़ है, अपने पेड़ पे देखिए बहुत सारे पंछी लेते हैं आवाजें करने वाले, बहुत सारी चिड़िया एक ही पेड़ पे ले ली है. पेड़ चिड़िया के लिए क्या है? शेल्टर. शेल्टर मेनली उसके लिए शेल्टर है ना. ये फूड तो वो जाके, अगर कीड़े वीड़े लेनी है तो मोस्टली वो ग्राउंड पर जाके ले लेती है, ठीक है. तो मेन उसके लिए शेल्टर है, हर चिड़िया के लिए शेल्टर है. लेकिन कितनी सारी चिड़िया आपको एक ही पेड़ पर मिल जाती है? तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो रिसोर्स सेम है तो इस हिसाब से तो एक ही चिड़िया को एक पेड़ पर मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है. देयर एग्जिस्ट कोएग्जिस्टेंस. तो उन्होंने देखा कि क्या करती है कि जो एनिमल मतलब स्पीशीज होती है ना वो आपस में एडजस्टमेंट कर लेती है. कि जैसे कुछ चिड़िया ने बोला कि सुनो, हम ना नीचे वाली जितने भी ये है ब्रांचेज है, हम यहाँ पे घोंसला बनाएंगे, ठीक है. तो ए स्पीशीज सारी चिड़ियों की नीचे आ गई. किसने बोला हम टॉप पे रहेंगी? बी स्पीशीज ऊपर रहेगी.
ठीक है, किसने बोला मेज वाला रीजन ले लेंगी, सी स्पीशीज यहाँ रहेगी, तीन डिफरेंट स्पीशीज रहेगी ना एक पेड़ पे। तो जब कोई एक साथ रह जाता है उसको हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो मेयर ने बोला जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिशन हो, दो स्पीशीज एक दूसरे को मारने पर टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिसाइड करके को एग्जिस्ट कर जाए। कैसे एग्जिस्ट करेगी, अपना टाइमिंग चेंज कर लेगी, ठीक है, कि भाई इस सीजन में तुम घोंसला बनाओगी, अगले सीजन में हम घोंसला बनाएगी, या वो अपना रीजन डिवाइड कर लेगी, यहाँ मैं रहूंगी ऊपर वाले में तू रहेगी, ठीक है, समझ आया। जैसे देखो बटरफ्लाई एंड मॉथ, बटरफ्लाई एंड मॉथ भी तो सेम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, उनका क्या लॉजिक है, बटरफ्लाई दिन में दिखती है, मॉथ रात को दिखता है, दोनों के दोनों फूल से ही तो खाते हैं नेक्टर, फूल से ही खाते हैं नेक्टर। आपने देखा है कि कुछ फूल होते हैं जो रात को खुशबू देते हैं, है ना, तो वो मौत के लिए खुले होते हैं, कुछ फूल दिल में खुशबू देते हैं, वो बटरफ्लाई के लिए खुलते हैं, तो सब में एडजस्टमेंट हो गया ना। यो यो मैम, दैट इज कोएग्जिस्टेंस। हां जगदीश बोलो, बोलो बेटा, लगता है इसने गलती से कर लिया, तो ये क्लियर है, सॉरी मैम गलती से हो गया। अब देखो, वन सच मैकेनिज्म दैट इज ऑफ कोएग्जिस्टेंस इज नोन एज रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो कोएग्जिस्टेंस का मतलब है एक साथ रह पाना, इसको लिखो वहां पे, भूल जाएंगे वर्ड्स, एक साथ रहना। कोएग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है, बाय, या लिख लो थ्रू, किसके थ्रू ये पॉसिबल है, रिसोर्स पार्टीशनिंग, अपना रिसोर्स बांट लो। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया तो इसको लिखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है ये, ठीक है, और इसे लिखो, इफ टू स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, अगर दो स्पीशीज एक ही रिसोर्स के लिए लड़ रही है, दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन, वो अवॉइड कर सकते हैं कॉम्पिटिशन बाय चूजिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे डिफरेंट, इन्होंने बोला आ गया, इन्होंने ये दिया यहाँ पे, दैट फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉबलर्स, वॉबलर्स है वो प्रीचिंग बर्ड्स ही होते हैं, वो एक ही ट्री पे ले रहे रहते थे, ठीक है, और उन्होंने एक दूसरे से कॉम्पिटिशन अवॉइड किया और एक ही ट्री पे रह पाए, क्यों, क्योंकि उनकी आदतें अलग थी फॉरेजिंग के लिए, कोई बर्ड जब बाहर जाता तो दूसरा बर्ड पेड़ पे रहता होता था, जब दूसरे बर्ड का बाहर जाने का टाइम हुआ तो पहले वाला बर्ड पेड़ पे आ गया, तो ऐसी पांच स्पीशीज एक ही पेड़ पे रहती हुई दिखी उन्हें, ठीक है। एंड सॉरी, मेयर नहीं है, मैक आर्थर है, माय बैड, मैक आर्थर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इन्होंने छोटू सा लिखा है इनका नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो दो कॉन्सेप्ट इस पेज पे आपको मिलते हैं, क्लियर है। तीसरा है, हाँ बोलो, एक बार फिर से रिपीट करोगे आप ये वाला एग्जांपल? हाँ, कि एक ही पेड़ है उस पर पांच तरीके के बर्ड्स रह रहे हैं, कैसे रह पा रहे हैं, उन्होंने अपनी आदतों को चेंज किया है, जैसे एक बर्ड अभी पेड़ पर बैठा है, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे 6 बजे के करीब एक बर्ड है जो पेड़ पे रहेगा, इस टाइम पे जो दूसरी स्पीशीज है ना बर्ड की उसी पेड़ से, वो खाना ढूंढने गई, ठीक है, जब वो वापस आएगी तो दूसरे बर्ड की स्पीशीज आ रही है, मतलब उन्होंने अपना टाइम बांट लिया है, वो उसी पेड़ पे रहेंगे लेकिन अलग अलग टाइम पे, ओके। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज, रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब है अपने रिसोर्स को बांट लो, ठीक है, तो रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इस पेड़ वाले एग्जांपल में ट्री इज अ रिसोर्स, है ना, ये रिसोर्स था जो उसके लिए बेसिकली उसका शेल्टर था, रिसोर्स खाना हो सकता है, इट कैन बी फूड, तो तुम इसको पार्टीशन कर दो, पार्टीशन मतलब बंटवारा, मतलब बांट लो, है ना। तो एक ही पेड़ को हम सब यूज कर रहे हैं, दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, जैसे कि हम क्लास में तो पार्टीशनिंग कर रहे हैं ना, कि आपको भी मैं नीट का पढ़ाती हूँ, अगले बैच को भी पढ़ाती हूँ, तो हमने यह कर लिया, टीचर एक बायो का तुमने दो बैचेस में कैसे बांट लिया, कि आधे बच्चे इस बैच में आते हैं, बाकी के बच्चे अगले घंटे में आएंगे, तुमने भी, तुम्हारे लिए रिसोर्स क्या हुआ, बायो की क्लास, तो तुमने इस रिसोर्स को कैसे पार्टीशन कर लिया, टाइम अलग अलग कर, समझी। जो ये मैम, अब आएगा कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉम्पिटिटिव रिलीज का क्या मतलब होता है, कि अगर कॉम्पिटिटिव रिलीज का क्या मतलब था, कल बताया था मैंने, कॉम्पिटिटिव रिलीज का क्या मतलब था, किसी को नहीं याद, मैम कोई स्पीशीज मैम जो सुपीरियर वो रिप्रोड्यूस आगे करती रहती है तो एक्सपेंड हो जाती है। मैंने बोला कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन, रिलीज मतलब हट गया होगा, एग्जांपल था कि दो स्पीशीज है, किस पे फीड कर रही है, वो दो स्पीशीज मैं यहाँ बना रही हूँ, ध्यान से देखो, ए एंड बी, और रिसोर्स क्या है उनका, सेम,
ठीक है, रिसोर्स सेम है, ये भी इस पे फीड करती है, ये भी इस पे फीड करती है, लेकिन ए वाली सुपीरियर है, तो ज्यादा खाना किसको मिल रहा होगा? सुपीरियर। अब तुमने क्या कर दिया है, कॉम्पिटेटिव रिलीज। कॉम्पिटेटिव रिलीज के कैश में क्या किया तुमने, ए वाली को हटा दिया, रिमूव ए, तुमने ए को हटा दिया, तो अब खाना तो वही है। यो यो मैम, लेकिन अब सिर्फ बी है, तो क्या बी का रिप्रोडक्शन का रेट बढ़ जाएगा? ज्यादा खाना मिलेगा तो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा ना, सो इट विल इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर एंड साइज, राइट? सो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। जब कॉम्पिटिशन हरा दोगे तो हम तो ऊपर आएंगे, समझ आई? यो यो मैम, क्लियर है सबको? यो यो, इसका एक प्यारा सा एग्जांपल दिया है यहाँ पर, देखो कॉम्पिटेटिव रिलीज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एग्जांपल आएगा आपको, अभी दिखाती हूँ मैं कैसे। देखो, अ स्पीशी हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। एक स्पीशी है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वहाँ फैली हुई है, वो ज्यादा जगह नहीं फैली हुई, वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो क्यों हुई है, एक स्मॉल से ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया मतलब अर्थ का एक छोटा सा पार्ट, तो एक स्पीशीज है जो छोटे से एरिया में रुकी हुई है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीशीज वहां प्रेजेंट है जो उसको फैलने नहीं दे, ये बात समझ आई? अब इस केस में हमने ये देखा कि अगर हम कॉम्पिटेटिंग स्पीशीज को एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर ले, जो सुपीरियर स्पीशीज है उसको रिमूव कर ले, तो जो इन्फीरियर वाली है वो फैल जाएगी उस एरिया में, रिप्रोड्यूस कर करके। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कॉनन एलिंगेट ने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया। फील्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है वो गए बाहर, उन्होंने नेचर में एक जगह देखी, जैसे तुम बाहर गए, तुमने अपने घर के पीछे एक एरिया देखा गार्डन में, तुमने कहा मैं इस गार्डन को ऑब्जर्व करूंगी, तो अब तुम इस गार्डन को ऑब्जर्व कर रहे हो, इसको कंट्रोल भी कर रहे हो, ठीक है, तो उन्होंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो कॉनन ने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने किसको ऑब्जर्व किया, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के पास, तो बार्निकल्स को ऑब्जर्व किया था उन्होंने। देखो पानी का कॉर्नर है, वहां पे बार्निकल्स रखे हुए हैं, ठीक है, बार्निकल्स का क्या होता है, शेल वाले स्ट्रक्चर होते हैं, अंदर एनिमल रहता है। तो अगर तुम देखो दो तरीके के बार्निकल है, एक है बेलेनस, दिख रहा है सबको, ये बड़ी हो जाएगी पिक्चर, आई डोंट थिंक बड़ी होगी, अरे मैंने छोड़ दी, हाँ देखो एक आपको दिख रही है बेलेनस, ये वाली, एक आपको दिख रही है ये ब्राउन वाली, दिस इज कैथमेलस, ये दोनों बार्निकल्स है, ठीक है। अब देखो नीचे पानी है, ये है बार्निकल्स, इनको न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं पानी से। अब देखो ये है लो टाइड, लो टाइड का मतलब लहरें हैं नीचे, जब पानी में हाई टाइड आता है लहरें आती है ऊपर, तो जब हाई टाइड आती है ना वो यहाँ तक पहुंचती है बेलेनस तक, वो कैथमेलस तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो मुझे बताओ ये एक ही जगह पे है, ठीक है, सारे रिसोर्सेस किसको मिल रहे हैं, कैथमेलस को तो नहीं मिले ना, तो धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन के साथ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक्सटेंड होना स्टार्ट होगी ना। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने, ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, देखो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है इससे, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे उन्होंने देखा द लार्जर एंड कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर बार्निकल था बेलेनस, तो डोमिनेटिंग है अपना बेलेनस नीचे वाला, ठीक है। उन्होंने कहा ये जो बेलेनस है वो डोमिनेट करता है इंटरटाइडल एरिया, इंटरटाइडल एरिया वो जो टाइड और लैंड के बीच में एरिया है ना उसको इंटरटाइडल एरिया कहते हैं इस वाले को, तो वो इंटरटाइडल एरिया को डोमिनेट कर रहा है क्योंकि वो वहां प्रेजेंट है, ये बात समझ आई? एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल, और उन्होंने कहा कि वो जो स्मॉलर बार्निकल है उसको उस एरिया से एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है, ये बात उन्होंने देखी कि वो उसको इस एरिया से हटाता है। अब अगर मैं ड्रेस्टिकली सारे बेलेनस हटा दूं तो क्या कैथमेलस फैल जाएंगे? यस मैम, बिल्कुल फैल जाएंगे उस एरिया में, राइट? ये क्लियर है सबको? यो यो मैम। अब एक छोटा सा लाइन देता है एनसीईआरटी जिससे क्वेश्चन आ सकता है, दैट इन जनरल हम देखते हैं, नॉट ऑलवेज, अगर लिखा हुआ ना ऑलवेज तो वो गलत है स्टेटमेंट, अगर वहां लिखा है मोस्टली या इन जनरल तो इन जनरल के ब्रैकेट में लिख लो मोस्टली, तो मोस्टली जो हर्बीवोरस होते हैं और जो प्लांट होते हैं वो अपीयर टू बी मोस्ट एडवर्सली अफेक्ट बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। कंपटीशन का सबसे ज्यादा नुकसान प्लांट को होता है क्योंकि प्लांट कहीं भाग नहीं सकते ना, उसके साथ तुम तो दूसरा प्लांट लगा दोगे तो सारे न्यूट्रिएंट उसके बाद चले गए तो क्या कर लेगा ना, राइट? यो यो मैम, यो मैम, विद दिस कंपटीशन पार्ट इज फिनिश, क्लियर सबको? यो यो बोलो, एम जस्ट बैक इन अ चैट का
हिम्मस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा क्या बेटा? अगर बैल अगर मैंने बैलेनस हटा दिया ना तो वो पूरा एरिया खा लिया है ना, तो टेथमस फैल जाएगा। हाँ मैं बेटा तेरा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। आई थिंक तुम उसे इंटर टाइडल रीजन किसको कहते हैं? बेटा टाइप कर दे, टाइप कर दे, आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को आ रही है आवाज? नो मैम, नो मैम, नो मैम। बेटा टाइप कर दे, टाइपिंग कर दे, मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो प्रिडेशन अपना खत्म, अपना क्या खत्म हो? कंपटीशन खत्म, कंपटीशन। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, और अब हम चलते हैं पैरासिटिज्म की तरफ। ठीक है, प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म में सिमिलैरिटी है। पैरासिटिज्म में भी एक को फायदा है दूसरे को नुकसान है, प्रिडेशन में भी एक को फायदा है दूसरे को नुकसान है, फर्क क्या है? क्या लगता है? एग्जाम्पल देती हूँ, जो सिर में जुए पड़ जाती है दैट इज पैरासिटिज्म, तो फर्क क्या है? मैम हमें नुकसान हो रहा है और जो हमें नुकसान हो जाता है वो दूसरे वाले को फायदा है। हाथ खड़े करके बोल रही है ना, उसको बोलने दो। बोल 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 रही है तू? हाँ हाँ तुमसे ही बोलो, इसमें पहले स्टार्ट किया है। जिसे हमें फायदा हो जाता है दूसरे को नुकसान हो जाता है। मैम हमें नुकसान होता है और जो हमारे मतलब सिर में रह रहा है उसको फायदा होगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा हमारी बॉडी से। हाँ तो वो तो प्रेडेशन में भी था, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, फर्क क्या है? मैम उसमें बड़े ऑर्गेनिज्म, मैम वो उसके ऊपर ही रह रहा है क्योंकि वो। हाँ मेन फर्क पता है क्या है कि पैरासिटिज्म में जो प्रे है वो मरता है, लेकिन सॉरी पैरासिटिज्म में जो प्रे है होस्ट के ऊपर, प्रीडेटर प्रे के पास रह पा रहा है ना, पैरासिटिज्म में जुए सर के ऊपर रह पा रही है तो मार तो नहीं दी है ना अपने प्रे को, लेकिन प्रीडेशन में पक्का मौत होती है, राइट? समझ आया? यो यो मैम। पैरासिटिज्म में हमें क्या पढ़ना है? अभी सोचने की बात है मेरे को, क्या पढ़ना है पैरासिटिज्म में? पैरासिटिज्म में हमको पढ़ना है कुछ टर्म, होपफुली आज ये हो जाना चाहिए खत्म। पैरासिटिज्म में हमें पढ़ना है कि एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, एक होते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है, एक होती है हाइपर पैरासिटिज्म और एक होती है ब्रूड पैरासिटिज्म। ये तो तुमने सही कहीं सुना ही होगा और इजी भी है, डिफिकल्ट नहीं है पर आ जाएगा। तो पैरासिटिज्म का क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म रह रहा है, दैट इज पैरासिटिज्म, राइट? तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पैरासिटिज्म में अगर हम बात करें तो एक होगा जो जिसको फायदा हो रहा है ना, तो पैरासाइट जो होता है उसका क्या काम होता है, दैट इज द वन जिसको प्रॉफिट हो रहा है ना, और जिसको नुकसान हो रहा है उसको हम बोलते हैं होस्ट, इन लॉस, उसको लॉस हो रहा है ना, पैरासाइट इसे खाता है, राइट? अब देखो पैरासाइट का जो लॉजिक है उसकी जिंदगी सिंपल है, वो कहता है मैंने ना मोस्टली रेडीमेड खाना लेना है, मैंने कुक नहीं करना उसको, तो अगर मैं रेडीमेड खाना ले ही रही हूँ तो क्या मुझे अपनी बॉडी में कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म लाने पड़ेंगे उस खाने को पकड़ने वकड़ने के लिए, ढूंढने ढालने के लिए? शेर को जाना है, शिकार को देखना है, फिर जाकर पकड़ना है, फिर उसको खाना है, ये कह रहा है मेरे को बस उसके साथ जाकर चिपक जाना है, मेरा होस्ट खुद ही खाना बनाएगा, मैं उसका बने हुए खाने से खा लूंगा। तो जो पैरासाइट की बॉडी होती है ना वो बहुत सिंपल होती है, तो आती है पैरासाइट की मॉडिफिकेशन जिसको हमने पढ़ना है, ठीक है? पैरासाइट की बाहर से बॉडी भी सिंपल होती है, पैरासाइट के अंदर से भी बॉडी सिंपल होती है, वो खाते हैं डाइजेस्टिव खाना। जैसे अगर हमारे इंटेस्टाइन में चला गया टीनिया सोलियम चला गया, ठीक है, तो टीनिया सोलियम को खा सारा खाना तो इंटेस्टाइन में बना बनाया आएगा, डाइजेस्ट होकर चला जाता है ना इंटेस्टाइन में, तो आधे से ज्यादा खाना मेरी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, तो वो भाई साहब क्यों अपने सिस्टम में जाकर डाइजेशन करेंगे, वो मेरी बॉडी से करवा रहे हैं, राइट? तो इंटरनली भी वो सिंपल होते हैं और एक्सटर्नली भी वो सिंपल हो गया, ठीक है? इस माइंड सेट के साथ इसको पढ़ते हैं। देखो कंसीडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर फ्री लॉजिंग एंड मील, लॉजिंग का मतलब होता है रहना, मतलब अकोमोडेशन, हाउस लिख लो भाई तुम, एंड मील मतलब खाना। तो पैरासिटिज्म सिंपल मतलब है कि अगर एक लाइस आके डॉग के ऊपर लग गया, टिक्स लगते हैं ना डॉग के ऊपर, तो वो टिक जो है ना रहने की जगह भी मिल गई, लॉजिंग भी मिल गई और उसको खाना भी मिल गया, वो डॉग का खून पीता रहेगा। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज इवॉल्व्ड इन सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट। तो पैरासिटिज्म हर है, प्लांट के ऊपर पैरासाइट लगे हैं, एनिमल के ऊपर पैरासाइट लगे, हर किसी के ऊपर पैरासाइट लगे हैं। नाउ मेनी पैरासाइट हैव इवॉल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक, नॉट ऑल। ये देखो जहाँ मैनी लिखा है ना, ये वर्ड नीट के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये लिखा है मैनी, सारे नहीं लिखे,
तो बहुत सारे पैरासाइट है जिसने होस्ट स्पेसिफिक कर लिया, उसने कहा कि इंसान को जुए जो होती है वो सिर्फ इंसान को होगी, डॉग को जो टिक लगता है वो सिर्फ डॉग पे लगता है, वो मेरे पे आके नहीं लगेगा, तो वो है होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब एक सिंगल स्पीशी पे लगेंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्लियर? पैरासाइट अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक है इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, ठीक है, टेंड टू को इवॉल्व का मतलब क्या है कि देखो एक जो है जो स्पेसिफिक है कि उसने जाके ना इंसान के सर में लगना है, ठीक है, तो वो जू जाके एक बच्ची के सर में लग गई टुकटुकी है। अब टुकटुकी की जो स्पीशीज है ऐसे नहीं है एक एक में इवोल्यूशन होती है, इवोल्यूशन स्पीशी में होती है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन इवॉल्व होगी, ठीक है। अब जो जू आके लगती थी ना हमारी स्कैल्प ऐसे इवॉल्व हुई है कि अब जू ना चिपक नहीं पाती हमारी स्कैल्प पे, हमारी स्कैल्प थोड़ी ऑयली रहती है, मान लो इमेजिन करो, ठीक है। तो जैसे हमें इवोल्यूशन आएगी ना, अब वो पैरासाइट जो था जो जू थी वो हमारे सर पे लग सकती है ना, अगर हम इवॉल्व हो गए तो उसको तो खाना ही नहीं मिलेगा। तो जब हम इवॉल्व होना स्टार्ट हुए थे ना, वो भी इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई थी, तो उसने दस्ताने बना लिए अपने हाथों में, कहती कोई बात नहीं मैं इस पर चढ़ सकती हूँ, मैं स्लिप नहीं होगी, तो इसे कहते को इवोल्यूशन। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे पे खाने के लिए डिपेंडेंट है ना, तो अगर खाना मॉडिफाई होगा ना ऑर्गेनिज्म भी मॉडिफाई होगा, ये बात समझ आई? यो मैम, यो मैम, यस। सो इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रिजिस्टिंग द पैरासाइट, अगर होस्ट ने कोई मैकेनिज्म कर लिया कि पैरासाइट ना लग पाए, तो पैरासाइट भी इवॉल्व कर लेता है मैकेनिज्म ताकि वो होस्ट पे जरूर लग पाए, ठीक है, समझ रहे हो तुम कितना खतरनाक है? नहीं, नाउ पैरासाइट इवॉल्व, समझ आ रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा है तो जल्दी नहीं है, हम तब भी कवर कर लेंगे ये टॉपिक, ओके, जबरदस्ती मत करना, समझना है तो पूछ लेना। Now, in accordance with their lifestyle, parasite evolves special adaptation. अब देखो special adaptation पे question आता है, आपसे school में पूछेंगे parasite की special adaptation बताओ। जो parasites होते हैं वो generally organism के कहाँ कहाँ लगते हैं? देखो ectoparasites वो होते हैं जो organism host के कहाँ लगेंगे? On surface of host. जो host के बाहर वाले surface पे लगेंगे, ठीक है, जैसे कि lice, जुए कहाँ लगती है? बाहर। जैसे कि डॉग्स के केस में टिक्स लग जाते हैं, कभी आपने देखा है जहाँ पे चावल की खेती होती है वहां पे लीच लग जाते हैं पैरों में? यो यो मैम। हाँ नीलम, बोलो नीलम, मैम रिपीट करो। हाँ, एक्टो पैरासाइट बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। व्हाट आर एक्टो पैरासाइट? एक्टो पैरासाइट वो है जो होस्ट के बाहर, बॉडी के बाहर लगते हैं। जैसे अगर ये छोटा सा चूहा है, इसको यार ये चूहा कैसे बन गया, अरे चूहा भाई, उई उई चूहा दिख रहा है? अब चूहे के बाहर बॉडी पे टिक्स लग गए, छोटे छोटे कीड़े लग गए, तो दिस इज एन एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर लगा है, ठीक है। एंडो पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर लगते हैं, जैसे कि अगर हमारी टुकटुकी है और टुकटुकी इनके इंटेस्टाइन पे जाकर लग गया टीनासोलियम, है ना, टेपवर्म लग गया, लेट्स से, तो टेप वो बॉडी के अंदर है ना, तो दिस इज एन एंडो पैरासाइट, राइट? यो यो मैम। हाइपर पैरासिटिज्म क्या है? एक था जो पैरासिटिक था नेचर में, उसके ऊपर पैरासाइट लग गया, समझ रहे हो? जैसे मान लो ये फनी है वैसे देखा जाए तो, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, जैसे एक बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो करता है कॉज डिजीज टू रैट, ठीक है, रैट को डिजीज कर रहा है, रैट फ्ली कर रहा है वो, ठीक है, रैट फ्ली नाम की बीमारी कर रहा है, तो ये खुद तो देखा जाए तो खुद भी तो प्रीडेटर है ना, ये भी तो पैरासाइट ही है, आ रहा है उसको, उसके ऊपर लग के परेशान कर रहा है, तो इट्स अ पैरासाइट। लेकिन मान लो इस बैक्टीरिया के ऊपर कौन आके लग गया, इसने अटैक कर लिया बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, तो देखो एक पैरासाइट के ऊपर दूसरा पैरासाइट आके लग गया, इसे हम क्या कहते हैं, चुगली लगाता था, इसकी चुगली की जोन लगा दी, तुम क्या कर रहे थे, तुम खुश थे, तुमको ठीक है, तुम पीछे बैठ के खाना खा रहे थे, पढ़ रहे थे ना, खाना खा रहे थे, लेकिन एक ने रिंकी ने बता दिया मैडम को, मैडम वो खाना खा रही है, ठीक है, तो टिंकू ने भी बता दिया मैडम कल ये भी खा रही थी, हाइपर पैरासिटिज्म दोनों बेटे, चलो राइट। सो दिस इज पैरासिटिज्म। नाउ पैरासाइट के पास कोई इवोल्यूशन है जो बाहर लगेगा, एक डॉग है पूरा दिन चलता है,
खुशबू जिलाता है उसके ऊपर कीड़े लगे, तो ऐसे पैरासाइट को अगर उसके ऊपर लगना है तो पैरासाइट के पास क्या होना चाहिए? अगर उसको डॉग की बॉडी पे लगे रहना है तो उसके पास क्या जरूर है? कुछ बताओ, साइंटिफिक वर्ड नहीं पूछ रही मैं, खुद सोच के बताओ कि अगर उसको कुत्ते की बॉडी पे अटैच रहना है तो क्या होना चाहिए? या तो वो स्टिकी होना चाहिए, है ना, कि टेप की तरह चिपक जाए, या फिर उसके पास कुछ होना चाहिए ना होल्ड करने के लिए? होते नहीं, तो उनके पास क्या होते हैं? टीथ, इस तरीके के सकर, सकर के साथ वो चिपक जाते हैं। और अगर वो बॉडी के अंदर है तब भी सकर उसको चाहिए, नहीं तो वो तो रेक्टम के साथ बाहर निकल आएगा फीसिस में, तो अंदर भी वो उसको चाहिए सकर। इसके अलावा अंदर उसको पका पकाया खाना मिल रहा है ना पूरा, तो क्या उसको डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए खुद का? जरूरत है? ठीक है, तो यहाँ पर है पैरासिटिक एडेप्टेशन, इसके आप बनाओगे कॉपी में नोट्स। पहली एडेप्टेशन, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। वो क्या करेगा सेंस ऑर्गन का? अगर वो कुत्ते के ऊपर लटका हुआ है, मस्त मस्त डॉगी ऐसे जा रहा है उसके पीछे, वो लटका लटका आराम से खा रहा है, उसको क्या लेना जा रहा है? बारिश हो, तूफान हो, जब भी बारिश तूफान होगा कुत्ता खुद ही भाग के घर में जाएगा, उसको सेंसरी ऑर्गन की क्या जरूरत है? राइट, तो वो सेंसरी ऑर्गन अपने खो देता है, सेंसरी ऑर्गन नहीं होते इनके पास पैरासाइट्स के पास। प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स, एडहेसिव ऑर्गन्स चिपकने वाले ऑर्गन या फिर सकर, ताकि वो होस्ट की बॉडी पे चिपक पाए, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ आया? लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता भाई, पकी पकाई रोटी बन रही है क्यों पकाएंगे? एंड हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, पर्पज यही है एनिमल का, रिप्रोड्यूस करना है, तो जब कुछ नहीं कर रहा तो रिप्रोड्यूस तो करेगा। ये फोर से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स ही होती है इनकी, दो से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। देखो इसका सबसे इजी एग्जांपल था, तुमको याद है अपन ने वो पढ़ा था मलेरिया? मलेरिया केस में क्या था, जो मछली होती है वो वेक्टर होती है, ठीक है, क्योंकि उसके पास थोड़ी देर रहता है, फिर हमारी बॉडी में डाल देती है, अपन होस्ट होते हैं, फिर दोबारा वो एनोफिलीज के पेट में जाता है, वहां पे वो दोबारा से स्पोरोजाइट फॉर्म में आता है, राइट, तो घूम रहा है ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट के बीच में, तो पैरासाइट तो है ना, स्पोरोजोइट इज अ पैरासाइट जो दो होस्ट के बीच में घूम रहा है, तो एक पैरासाइट के दो से ज्यादा होस्ट हो सकते हैं, नेचर में कॉमन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। जो मैंने लिखा है उसकी डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखवाई नहीं, लेकिन अब इसको दिख रहा है तो आप इसे अंडरलाइन कर लो। नाउ द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप इज लाइसिस, इंसान की जुए एक एग्जाम्पल, कुत्ते को ऊपर लगने वाले कीड़े एग्जाम्पल है। मैनी मरीन फिशेज आर इन्फेस्टेड बाई एक्टोपैरासाइट लाइक ऑक्टोपस, कसकटा, बहुत सारी मछलियों के ऊपर भी ना पैरासाइट लग जाते हैं। कसकटा इज अ पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स, हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। मैंने कसकटा की पिक्चर नहीं लाई, सॉरी, कसकटा का दिखाती हूं, बढ़िया है। देखो कसकटा क्या है, ये देखो, ये तुमने देखी होगी येलो येलो कलर के ना पेड़ बाल जैसे निकले होते हैं, येलो ऑरेंज कलर के, देखिए पार्ट नहीं होते, ये पापी होते हैं, पैरासाइट है उसके ऊपर लगा हुआ, देखो तो सुंदर लग रहा है लेकिन है पैरासाइट। तो ये पता क्या करता है, ये वो चला गया, देखो प्लांट इसके नीचे है, ये ग्रीन वाले पत्ते दिख रहे हैं, जो कसकटा होता है ना, ये कसकटा, ये सिर्फ एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सिर्फ थ्रेड ही थ्रेड है, जैसे संतरा खाया कभी? ये कसकटा, तो कसकटा के ऊपर लीफ तो है नहीं, है तो ये प्लांट लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करता, देखो देखो कितना चलाक है, कसकटा के बारे में लिख लेते हैं, बहुत चला गई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करता, नो फोटोसिंथेसिस, क्यों करेगा फोटोसिंथेसिस, ये तो पैरासाइट है, पैरासाइट क्यों फोटोसिंथेसिस करेगा, वो तो खाना लेगा, है ना, पैरासाइट है यहाँ पे, तो ये करता क्या है, खाना कहाँ से मिलता है इसको, ये पता ये करता है, देखो प्लांट है ना, प्लांट के बीच में जाइलम फ्लोएम होता है, ये देखो अब कसकटा बाहर लगा और अंदर एक्सटेंड करके ना, होता है एक्टोपैरासाइट है लेकिन अंदर ना जाइलम फ्लोएम के बीच में अपने ऐसे हाथ कर लेता है, ऐसे समझो कि खाना 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 बन रहा था, सब प्लेट लेके खड़े थे, तुमने ऐसे हाथ कर लिया बीच में, खाना लेके भाग गए, तुम तो उस परिवार के थे नहीं, फिर भी वहां से छोले भटूरे ले आए। तो कसकटा भी यही करता है, वो जाइलम फ्लोएम के बीच में अपनी एक्सटेंशन डाल देता है, प्लांट को पता ही नहीं चलता और सारा न्यूट्रिएंट ही खा जाता है कम वक्त, धीरे धीरे प्लांट मर जाएगा ना। यो मैम, पैरासाइट धीरे, देखो अगर पैरासाइट की ट्रीटमेंट ना हो तो धीरे धीरे प्रेम मर सकता है, ठीक है, पर जनरली
अब काफी सारे एक्सटेंशन है ना प्लांट की, तो जनरली काफी टाइम तक सर्वाइव करता है, ठीक है? तो कसकस से कसकटे का समझ आया, ये बहुत मिलेगा आपको भी भाई। पिटिक हो जाएगा। दोबारा बोल बेटा। अगर प्लांट में जालम अगर उससे तो प्लांट डेड हो जाएगा, कसकटे डेड हो जाएगा। बहुत टाइम तक रहेगा तो डेड हो जाएगा। ठीक है नाउ। अच्छा लिखा है इन्होंने यहाँ पे कसकटा के कोई क्लोरोफिल नहीं है, उसके पास कोई लीव नहीं है, वो प्लांट से लेता है खाना डायरेक्टली एज अ पैरासाइट। ठीक है क्लियर? यो मैम, यो मैम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ मेंशन है दैट द फीमेल मस्कीटो इज नॉट कंसीडर्ड एज पैरासाइट। ठीक है, वो बेशक हमारी बॉडी से ब्लड लेते हैं पर वो पैरासाइट नहीं है, उसके अंदर जो स्पोरोजॉइट था वो पैरासाइट है। ये क्लियर है? यो मैम, ये नीट की लाइन है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट जो एंडो पैरासाइट है वो शरीर के अंदर रहते हैं, राइट? क्योंकि उनमें स्पेशल टाइप की एडेप्टेशन होगी। जैसे अगर वो मेरे स्टमक में रह रहा है तो मेरे स्टमक में पीएच कैसा होता है? एसिडिक। तो अब बेचारे पैरासाइट को अपने सरफेस के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर लगानी पड़ेगी ना कि मेरे एसिड उसको खाना जाए, है ना? होती है एंडोपैरासाइट की एज कम्पेयर टू एक्सोपैरासाइट। ठीक है, सो देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हाइल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा है। वो जो पीछे लिखा है वही ये बात है, बट इट्स जस्ट दैट इनकी लाइफ थोड़ी और डिफिकल्ट होगी। नाउ लास्ट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब है बहुत चलाकी वाला, जैसे कुकू का और क्रो का आपने सुना होगा, है ना? सुना है ना? उसने ना एवोल्यूशन ऐसी कर लिया कि उसके अंडे, देखो थोड़ा फर्क दिख रहा है बेशक साइज में, लेकिन उसके अंडे क्रो के अंडे जैसे दिखते हैं। तो जब फीमेल क्रो बाहर जाती है ना खाना वाना इकट्ठा करने, तब कुकू बर्ड आती है और उसके घोंसले में अपने अंडे दे जाती है। अब अगर घोंसले में जगह नहीं होती ना तो वो क्रो के अंडे बाहर फेंक देती है लात मार के, अपने अंडे रख जाती है वहां पे। ठीक है, तो अपने अंडे रख जाती है। अब जब क्रो बेचारी वापस आती है तो उसको क्या पता अंडे एक्सचेंज हो गया, इतना सेंसिबिलिटी थोड़ी है उसमें, उसको तो सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो उसको हीट करती रहती है और फाइनली वहां से बच्चे निकल आते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे तब रियलाइज होगा ना उसको अपने बच्चे नहीं है, बचपन में तो ऐसे दिख रहे हैं, देखो क्या पता चलेगा अपने है कि किसी और के, राइट? तो जब वो जाती है ना वो इतनी सेंसिबल नहीं होती है कि वो एग्जैक्टली डिफरेंस कर पाए। अभी तक नहीं देखा गया ऐसा कि वो सेंस कर पाए कि ज्यादा फर्क है। और जो कुकू आती है ना वो बहुत स्मार्ट होती है, अगर वहां पे जगह जैसे बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गया अंडों का तो वो क्रो के अंडे नीचे फेंक देती है ना, नंबर तो मैनेज ही हो जाता है। एक दो अंडे का फर्क उसको पता नहीं चलता, एक दो अंडे से ज्यादा फर्क कुकू बर्ड करने नहीं देती, समझ आया? तो इस पैरासिटिज्म में हुआ क्या, कुकू ने डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाया क्रो के साथ लेकिन स्टिल उसके रिसोर्सेस को यूज कर लिया, सो दिस इज नोन एज ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट इज लास्ट है दोज आर कोमेंसलिज्म। अब देखो हमने सारी नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शंस कर ली, देखो हमारी हो गई है प्रीडेशन पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन, ये हो गया ना? यो मैम। तो ये वाली वो है जब आपको नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा। अब आप उस पे जाओगे, एक और नेगेटिव है जिसका नाम है एमेंजलिज्म। ठीक है, तो एक एमेंजलिज्म को पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, एक नेगेटिव कर लेते हैं फिर पॉजिटिव वाली पढ़ेंगे, क्लियर? एमेंजलिज्म थोड़े टाइम बाद आएगी तो मैं तुमको यहाँ कराती हूँ एमेंजलिज्म। देखो एमेंजलिज्म का क्या है, अपने बुक में देखो क्या निशान दिया उन्होंने, बोल। न्यूट्रल। हाँ, नेगेटिव एंड न्यूट्रल मतलब एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये इंटरेक्ट क्यों कर रहे हैं? ये एक्सीडेंटली इंटरेक्ट कर रहे हैं, जान बूझ के इंटरेक्ट करने। यार एक बात बताओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे गलती से ये एक्सीडेंटली होता है नेचर में, लेकिन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट की बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है तो वो एज ए बाई प्रोडक्ट ये केमिकल रिलीज कर देता है। ठीक है,
ये इसका बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट बेसिकली इसका एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है। अब उसके लिए तो वेस्ट है ना, उसके शरीर में कोई काम नहीं था, उसने रिलीज कर दिया, बाहर निकाल दिया। लेकिन इसके आसपास फॉर एग्जांपल कोई भी छोटे छोटे लेट से बैक्टीरिया रहते थे, वो बैक्टीरिया इस एरिया में ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो वेस्ट है ना इनके लिए पॉइजन है। तो क्या प्लांट ने इंटेंशनली इन बैक्टीरिया को मारा? नो मैम, नो मैम, बैक्टीरिया तो मरी है ना, उसको नुकसान हो गया और प्लांट को कतई कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे हम कहते हैं एमेंजलिज्म। जैसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। किससे? जो अलेक्जेंडर थे वो किसको स्टडी कर रहे थे पेट्री डिश में? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। हाँ, तो ये मैंने बैक्टीरिया डाल दिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और यहाँ पे फंगस आके बाई चांस ग्रो कर दिया था। फंगस पहली बार क्या पूछा आपने? फंगस का नाम क्या था जो ग्रो कर रहा था? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम ने जान के थोड़ी बैक्टीरिया को मारा था, उसने तो अपना केमिकल रिलीज किया ना, जहां जहां केमिकल गया वहां वहां बैक्टीरिया मर गया, उसने जान के नहीं किया ना। तो पेनिसिलियम नोटेटम का रिलेशनशिप तो जीरो था ना, उसने तो जान के कुछ नहीं किया लेकिन बैक्टीरिया तो मर गया। हाँ बोलो बेटा। मैम ये ट्री वाला एक्सप्लेन करना फिर से। कौन सा ट्री वाला? ट्री वाला ये देखना, ये जो पेड़ है ये अपने इसके अंदर बहुत केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो एज ए बाय प्रोडक्ट भी ना जो ट्रीज होते हैं बहुत सारे केमिकल निकालते हैं टर्पिन्स वगैरह, तो उसने एज ए बाय प्रोडक्ट अपने बॉडी से निकाल दिया कि तेरा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं, चलो निकल। लेकिन वो बाय प्रोडक्ट उसके इसको तो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन जो उसके आसपास बैक्टीरिया थे ना उनके लिए पॉइजन का काम कर गया और बैक्टीरिया मर गई। तो देख पेड़ ने जान मुझ के तो बैक्टीरिया नहीं मारा, तो उसका रिलेशन जीरो है, लेकिन बैक्टीरिया इस इंटरेक्शन से मर गए तो उनका नेगेटिव, तो जीरो नेगेटिव इज एमेंजलिज्म। मुझे यो यो मैम, यो हमारा चैट पर दोबारा चैट कहां गया? चैट का ये एमेंजलिज्म खत्म। अब हम करेंगे अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, प्यार भरी बातें करेंगे। ओके यो यो मैम, तो सबसे पहले उसमें आता है कोमेंजलिज्म। द कोमेंजलिज्म इज वन जहां पर एक को फायदा होगा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कह रहा मेरे को कोई लेना देना नहीं है रे, तो टंगा रहा मुझसे, आई डोंट केयर, ठीक है। इसका बहुत बड़ी एग्जांपल होता है ये वाला, जैसे कि कहां गई बेल? बेल देखी आप लोगों ने टीवी पे? बेल बड़ी होती है ना, उसके सरफेस पे आपको ये छोटे छोटे एनिमल लगे दिखाई देते हैं, कहां गई ये देखिए आपने? ठीक है, ये ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बार्निकल्स। अब देखो बेल इतनी बड़ी होती है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके सरफेस पर बार्निकल्स लगे, ठीक है। तो बार्निकल्स क्या कहते हैं कि देखो अगर तो मैं इस समुद्र में खुद से तैर के एक जगह से दूसरी जगह जाऊं तो मुझे लगता है बहुत टाइम। तो बार्निकल्स कहते हैं कि वेल भैया अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप पे चिपक जाए, कह रहे आपसे कुछ नहीं लेंगे, आपका खून नहीं पियेंगे, बस आपके साथ चिपके हुए हैं, हम आपके साथ चिपक जाए। वेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इतना बड़ा शरीर है, उसकी पूंछ पे जाएगा चिपक जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है अंटिल वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, राइट। तो वेल को इस इंटरेक्शन से कोई फायदा नहीं होता, कहते चिपक जाओ। बार्निकल को फायदा होता है, उसको ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, सो इट इज नॉट पैरासिटिज्म। देखो ये पैरासाइट नहीं है, ये उसको खा नहीं रहा है बस उससे। तो पानी फूड कहां से लेते हैं फिर? पानी से, पीछे बार्निकल का एग्जांपल पढ़ा था ना, वो पानी से लेते हैं ना न्यूट्रिएंट्स अपने। तो ये खाना नहीं ले रहा बट ट्रांसपोर्ट रह रहा है। होता नहीं कभी कभार किसी गाड़ी वाड़ी खराब हो जाए तो वो स्कूटर आपको दिखता है गाड़ी की मदद से चलता हुआ, कभी देखा हो आपने ऐसा सीन? यो यो मैम, एग्जैक्टली, ठीक है। सो दिस इज अ कोमेंजलिज्म। इसमें पॉजिटिव फायदा किसका हुआ? बेल का क्या फायदा हुआ? ब्रांच ब्रांच बार्निकल्स, बार्निकल्स का हुआ। बेल्स को क्या हुआ फायदा नुकसान? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम एग्जांपल है, कभी देखा होगा खेतों ने जब गायें खा रही होती है ना उसके पीछे पीछे से बंटी चल रहे होते हैं। जब गायें खाती है घास, घास खाएगी तो पकड़ के पूरी उखाड़ देगी ना, है ना? लिपस्टिक ना खराब हो मेरी तरह तो खाएगी नहीं, वो खाएगी जैसे मैं घर पे खाती हूँ पैतू की तरह। तो वो जैसे ही मिट्टी उखाड़ती है, जब वो मिट्टी उखाड़ेगी नीचे से कीड़े निकलेंगे। जो ये चलाक पंछी जा रहे हैं ये वो मिट्टी कीड़े खा लेंगे, तो इससे गाय गाय को कोई फर्क पड़ा? नो मैम, पंछी का फायदा हुआ?
also commensalism, right? समझ आई? यो यो मैम पापा अंग्रेजी में पढ़ते हैं. This is an interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefit. ना फायदा ना नुकसान. यही लाइन है जो बार बार नीट पूछता है. तो इसे this is known as commensalism. इसमें एक और एग्जांपल है. प्लांट में एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन द एज एपिफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच. देखो जो मैंगो ट्री होता है, आई थिंक इसके मैंने लिखा होगा. देखो जो मैंगो ट्री होता है ना, उसके ऊपर ऑर्किड्स लगे होते हैं. ऑर्किड्स ना मैंगो ट्री से जैसे पीछे कसकटा ने लिया था ना खाना, वो नहीं लेते. ये कहते हैं कि बस मुझे उगने की जगह दे दे. तो मोस्टली कमेंजलिज्म होती है शेल्टर के लिए, शेल्टर के लिए जर्नली. तो वो कहते हैं मुझे उगने की जगह दे दे बस, ठीक है, मैं तेरे से कुछ ले नहीं रहा. तो ऑर्किड्स अपना फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं, बस वो मैंगो ट्री के ऊपर हैंग कर जाते हैं. ओके, तो दिस इज ऑल्सो कमेंजलिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट्स आर द वन जो न्यूट्रिएंट नहीं ड्राइव करते, बस रहने के लिए जगह किसी से ले ले, उन्हें हम कहते हैं एपीफाइट्स. क्लियर? पीछे वाले देखो, बार्निकल्स. मैं तुम्हें बस यहाँ पे दिखा रही हूँ जो हमने अभी पिक्चर में देखा, बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द व्हेल. ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या देखा? कैटल ईग्रेट, वो जो बर्ड था, और ग्रेजिंग कैटल भी आसपास रहती है. तो दिस इज ऑल्सो कमेंजलिज्म, राइट? एक और एग्जाम्पल है सी एनिमल एंड द स्टिंगिंग टेंटिकल्स. सी एनिमल हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड क्लोन फिश. ठीक है, तो देखो ये आपने ना पिक्चर फाइंडिंग नीमो देखी है? ये मछली ये कहती है, ये कहती है मैं इसके पीछे रहूंगी, ये कोई चक्कर नहीं है मुझे. ठीक है, तो जो क्लोन फिश होती है ना वो इन टेंटिकल्स के बीच में रह जाती है. सी एनिमल, सी एनिमल के टेंटिकल ना बाकी एनिमल्स को हार्म करते हैं, मछली को कुछ नहीं कहते, मछली को इससे फर्क नहीं पड़ता, इम्यून है. तो सी एनिमल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, वो तो अपना ऐसा लहरा रहे हैं, उसके बीच में मछली रह रही है, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, राइट? तो किसको फायदा हुआ इसमें? अब म्यूचुअलिज्म रहता है कोई बात नहीं, एक बार इसको रिवाइज कर लिया आज के लिए हमने. ये एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग करेंगे टॉपिक हमारा एज पिरामिड का. ओके, टॉपिक है, ठीक है, और इसमें टाइम बच गया तो फिर और क्वेश्चन लगा लेंगे, राइट? नहीं तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारी क्लास है, ये हमारी हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, इस वीक खत्म हो जानी चाहिए. तो मंडे और ट्यूजडे को हम इसी का क्वेश्चन लगाएंगे. ओके, कम से कम हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चन तो हम लगाएंगे, राइट? चलो अब हम आते हैं. हाँ, सबसे पहली आज इंटरेक्शन कौन सी पढ़ी हमने? कॉम्पिटिशन, लड़ाई. लड़ाई के अंदर हमने कौन सी तीन चीजें पढ़ी? तीन टॉपिक पढ़े हमने लड़ाई के. गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, दूसरा को एक्सिस्टेंस, और तीसरा मैम कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स. बेटा तुम विशाल हो, फिर हाथ खड़े कर ले, मैं तेरे से पूछ लूंगी, संभाल. तो हाथ खड़ा कर ले, पूछ लूंगी, मुझे क्या दिक्कत है. उसके बाद हमने पैरासिटिज्म पढ़ा. पैरासिटिज्म के केस में मुझे कौन बताएगा कुछ चेंजेस पैरासाइट में, वो अडेप्टेशन क्या करता है? अंकिता, पैरासाइट की अडेप्टेशन क्या है? गुंजन, पैरासाइट की अडेप्टेशन? मैम लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स. यस, और प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन. गुड, नेक्स्ट. एंड लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. वेरी गुड, लास्ट. मैम हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है. अब ये बात खुद से बोलेंगे, ओके, बिना देखे. चल गुड, एकदम से याद नहीं होता, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड. तो मेरे को फिर फटाफट से ये करके बता दो क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे. चलो 1 मिनट, लास्ट टॉपिक यहीं से रिवाइज हो जाएगा. स्टार्ट. लास्ट टॉपिक जो है कमेंजलिज्म बचा था, उसका एग्जांपल था, मैंने इतना भी बता दिया.
अब तो होना चाहिए, समथिंग इज बर्निंग। अच्छा अच्छा ठीक है, दवाई छिटी है। ओके 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 प्रिया, ओके गुंजन, विशाल, ओके नीता, 1 minute 30 seconds लेफ्ट, करो करो कोशिश करो। ओके प्रकृति, कम ऑन दीक्षा, ट्राई करो, एकदम से नहीं होते, लास्ट 10 seconds। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा, बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग, चुप, द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म है दोनों को, एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है नीचे लिखे जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑर्किड मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं, किसी भी ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं, ऑर्किड्स को फायदा होता है, ट्री को कोई रिलेशन कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इज कमेंसलिज्म, ये तो नहीं चाहिए मुझे तो नहीं ढूंढना है ना। कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ग्रेजिंग कैटल को कोई फर्क नहीं पड़ता और ईग्रेट वहां से कीड़े निकाल लेती है, तो ये भी इमेंजलिज्म है। ठीक है, सी एनिमल एंड क्लोन फिश, क्लोन फिश को फायदा होता है वो छुप जाती है और सी एनिमल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके टेंटिकल्स में वो रह रही है, तो ये भी कमेंजलिज्म है, मुझे नहीं ढूंढना है। फीमेल वेस एंड फिक्स स्पीशीज, ये हमने नहीं पढ़ा ना अभी तक, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो हमें यही ढूंढना था जो कमेंजलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, आंसर वुड बी डी। तो देखो बिल्कुल एनसीईआरटी से आया, पुराना भी नहीं है बहुत, एनसीईआरटी से आता है ना ईगो, सबसे ज्यादा एनसीईआरटी से ही आता है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है,